हे गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है कोई ब्लॉग नहीं है, ना कोई मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ, ना कोई ब्लॉग बनाने वाली हूँ। सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ। तो गाइस, जो भी लोग नेगेटिविटी के अंदर फंसे हुए हैं, नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ घूमती रहती है और हर जगह हर कदम पे आपको नेगेटिविटी मिलेगी। पर कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिविटी से टूट जाते हैं। गाइज, मैंने देखा, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, पूरे दिन में मेरे पास पता नहीं कितने सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इस चीज़ को लेके मुझसे डिस्कस करते हैं। तो नेगेटिविटी हर जगह है, मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी है, नेगेटिविटी हर जगह है। बट हमें ये स्टेप लेना है कि हम नेगेटिविटी से बाहर कैसे आए। उसके भी नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए भी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस होनी और वर्क। सबसे पहले हमें अपने काम पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम अपने काम पे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं तो हमें दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो तोड़ सके। और अगर हम पास्ट में सोच रहे हैं गाइज, सबसे बुरी चीज़ होती है पास्ट में जाना। और अगर हम पास्ट में सोच रहे हैं ना कुछ चीज़, तो हम कभी प्रेजेंट में आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैं अपने दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि ये होता है हमारे टाइम में भी। स्टडी लेवल को लेके या सारी बहुत सारी चीज़ें भी मैंने फेस की है, कॉम्प्लीमेंट्स जो है मैंने फेस करे हैं। आज मैं सिर्फ उन सभी बच्चों को ये बताना चाहती हूँ जो भी अपने 10th या 12th स्टैंडर्ड के, इस वक्त 10th या 12th स्टैंडर्ड में, ओनली ऑन वो सभी बच्चे रिक्वेस्टेड, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, आलतू फालतू की चीज़ों पर ध्यान ना दें, ठीक है। और अब हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप देखोगे काम में साथ कोई नहीं देता, टांग अड़ाने सब आ जाने। अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो पीछे खींचने वालों की लाइन लगी हुई है कि वो हाथ पकड़ के हमें पीछे खींचेंगे। इसके लिए आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ। एक बार आपने दिमाग के अंदर ट्रस्ट बना लिया ना कि मैंने ये काम करना है करना है करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है आपको काम को करने से रोके, और आप एक दिन सक्सेस भी हो गए। होता है, मैंने खुद की लाइफ में भी देखा है, अगर मैंने कुछ चीज़ सोच ली ना तो सक्सेसमेंट जरूर मिलती है। कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। गाइस, कभी भी टूटो मत, अपने आप को तोड़ो मत, या अपने आप को कभी भी निराश मत करो कि ये चीज़ नहीं हो रही है, पर होगी, एक ना एक दिन होगी, गॉड कहीं ना कहीं है गाइस। तो मैं सिर्फ उन सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आज का जो टाइम चल रहा है ये मत सोचो कोई किसी का है, कोई किसी का नहीं है। जब तक मतलब है, जब तक दुनिया साथ है, पैसा है, दुनिया अपने पास है, ये दो चीज़ें निकल गई ना आपके हाथ से तो सब कुछ निकल गया। तो खुद को काबिल बनाओ कि दुनिया आपके साथ आज भी है तो कल भी रहे और हमेशा आने वाले टाइम में रहे। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को काबिल बनाओ, पैसों से दुनिया नहीं तोड़ी जाती। आज आपके पास पैसा है, कल नहीं होगा। आज आपके पास लोगों की भीड़ है, पैसे दे के कल वो छोड़ के चले जाएंगे। तो सिर्फ सक्सेसमेंट की तरफ जाओ, आप खुद को बनाओ। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि करियर काउंसलिंग क्लासेस में बहुत सारे बच्चों का माइंड डिस्टरबेंस रहता है, उनको ये नहीं पता करना क्या होता है। इसलिए मैं इन चीज़ों को आप सभी के सामने डिस्कस कर रही हूँ। जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज, गोल ऑन योर फोकस ऑन योर गोल, कोई साथ नहीं होता। वीडियो आप अपनी फैमिली के साथ रहें, उसके अलावा किसी की बातों में ना आए, और अपने पढ़ाई स्टडी गोल पे आप फोकस करें। माँ बाप फैमिली है, सब कुछ है, वरना कोई नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप बने रहो ज्योति जैन ब्लॉग। और वीडियो में कुछ भी आपको बेकार लगा हो या कुछ भी आपको लगा हो कि ऐसी बोल दिया, तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। पर यह मैंने अपनी जो है लाइफ का एक्सपीरियंस से ही बातें आपको बताई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।